गाइस, क्या हमें डेमोक्रेसी को उसके आउटकम्स के बेसिस पर जज करना चाहिए? कंफ्यूज्ड? लेट्स फाइंड इट आउट। हेलो एवरीबॉडी, दिव्यम विद यू फ्रॉम पीयू स्टार्क। वेलकम टू सिविक्स चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि हम डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या डेमोक्रेसी उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाती है? क्या डेमोक्रेसी की वजह से इंडिया ने डेवलप किया है? और फाइनली, किस रीजन की वजह से आज तक इंडिया में डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है? वेल, इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स इस चैप्टर के एंड तक आपको मिल जाएंगे। सर, दिस चैप्टर सीम्स इंटरेस्टिंग। यस इट इज। इस चैप्टर को हम टोटल 7 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है जो कि इंट्रोडक्टरी है। सेकंड लेक्चर में हम डेमोक्रेसी के कुछ आउटकम्स को समझेंगे। लेक्चर 3 में हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कुछ क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। लेक्चर 4 में हम इकोनॉमिक ग्रोथ को समझेंगे। लेक्चर 5 में हम इनइक्वालिटी और सोशल डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। लेक्चर 6 में हम डिग्निटी और फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। और फाइनली लेक्चर 7 में हम इस पूरे चैप्टर को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। सो फोक्स, चैप्टर बहुत आसान है और बहुत मजेदार भी है। अगर आपको आने वाले लेक्चर्स में कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए तो उनको प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। फोक्स, क्लिक हियर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। क्लिक हियर टू गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। क्लिक ऑन द सर्कल टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट दैट इज pustack.com फॉर मोर ऑसम वीडियोस ऑन वेरियस टॉपिक्स।